हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड इज व्हाट इज इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने गैलीलियो अंकल की एक एग्जांपल ली थी। उसमें हमने ये कहा था कि गैलीलियो अंकल ने ये बात प्रूव कर दी यूजिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स कि अगर एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया जाए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, जिस हाइट से इसे ड्रॉप किया गया है ये उसी हाइट तक वापस राइज करेगी ओवर अदर इंक्लाइंड प्लेन विद ए कंडीशन दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। और इसी को यूज करते हुए हमने ये बात कही थी कि किसी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है दैट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अगर ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहना चाहता है। ये गैलीलियो ने डिस्कस किया था। अब इसी कंसेप्ट को बेस मान के हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया को समझेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय गैलीलियो गैलीली, ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स ना उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, अगर वैसे ही चलते रखना है तो कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए किधर गए भाई, इधर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है, तीन लॉज ऑफ मोशन है जो कि न्यूटन अंकल ने दिए, ठीक है, तीन लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन अंकल ने दिए, और इन तीनों के बेसिस के ऊपर ही समझो हमारी जो कोर फिजिक्स है वो टिकी हुई है। कोर इसलिए कह रहा हूँ जो हम 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स, आप में से कोई इतराज मत कर देना, ठीक है। हालांकि न्यूटन अंकल का बड़ी अलग अलग ब्रांचेस में, फिजिक्स की, मैथ्स की ब्रांचेस में कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट ये तीन लॉज ऐसे हैं कि जो बच्चा 10th के बाद चाहे साइंस ले या ना ले, चाहे कुछ करे या ना करे, बट ये तीन लॉज इतने अच्छी तरह से समझ लेता है कि जिंदगी भर कभी भूलता नहीं है। चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से अपनी कहानी शुरू करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे कंपेल ना करे, उसे मजबूर ना करे टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई रिपीट, किसी भी बॉडी में क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो वैसा ही करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई फोर्स लगेगी, कोई ऐसा सोर्स होगा जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा, यानी कि फोर्स। यहाँ पर न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ कहीं ना कहीं फोर्स की डेफिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई फोर्स एक ऐसा एजेंट है, कुछ ऐसा जुगाड़ है, अभी मैं जुगाड़ कह रहा हूँ, टेक्निकली भी आते हैं, एक ऐसा जुगाड़ है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगी,
यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। लास्ट लेक्चर की डेफिनेशन को अगर मैं फिट कर दूं तो मैं कहूंगा कोई ऐसा पुश और पुल चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करते हैं। ठीक है, बिना इस फोर्स के हम स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external agent to change its state of rest or state of uniform motion, right? अब ये जो concept है ये inertia के साथ link है, तो यहाँ पर हम लोग इनर्शिया को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इनर्शिया क्या होता है पहले ये समझते हैं। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, ये इनबिल्ट इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है, हर बॉडी के अंदर ही ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है तो अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाओ तो ये बुक खुद ब खुद नहीं चल पड़ेगी, खुद ब खुद ही मोशन में नहीं आ जाएगी, खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आपको भूत आत्माओं में विश्वास होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में हम चेंज लाना चाहते हैं या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना चाहते हैं तो बॉडी उस चेंज को अपोज करती है। ठीक है, और जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ये अपोजिशन भी ज्यादा होगी। हायर द मास मोर द इनर्शिया। देखो इनर्शिया के कोई यूनिट्स नहीं है, इनर्शिया क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनबिल्ट प्रॉपर्टी। बट ये भी बात साथ के साथ सही है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। इनर्शिया मींस उस बॉडी की उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना करे। जैसे अगर आप एक छोटे से पत्थर को पुश करते हो, पत्थर आसानी से मूव कर जाता है, बट अगर किसी भारी भरकम पत्थर के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, उसे हिलाने की कोशिश करोगे तो उसे हिलाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नॉट परफेक्टली बट कहीं ना कहीं जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है, राइट? तो ध्यान रखिएगा जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, बट इनर्शिया के कोई यूनिट्स नहीं है, मास के यूनिट्स किलोग्राम है। हायर द मास मोर इज द इनर्शिया, बट इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू मास। क्लियर? तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। रेजिस्ट करती है अपने अंदर आने वाले चेंज को, चाहे वो रेस्ट से मोशन में आना है, चाहे मोशन में उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना है, उसको जो अपोज करना है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस डेफिनेशन को भैया याद कर लीजिए, मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज जो है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया यही रिपीट करके यहां पर लिखी गई है। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी और मूविंग टू अ कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड लिखा नहीं है इज कॉल्ड इनर्शिया। ये ना अभी परफेक्टली समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। इनर्शिया को हम तीन तरह का कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन एक टॉय कार को पुश कर रहा है, हल्के से पुश से भी वो मूव कर रही है। क्यों? इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रही है। क्यों भाई? क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। इसके मुकाबले में अगर इसे किसी बड़ी बस को या बड़ी कार को धक्का मारना हो तो क्या होगा बेटा? क्या इसका मास बढ़ गया है? यस।
हायर द मास मोर द इनर्शिया, तो इस केस में इस कार का इनर्शिया भी ज्यादा होगा और इसे धक्का मारने के लिए इसे ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्या है, अब कार का इनर्शिया ज्यादा है, ये आसानी से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करेगी। मान लीजिए एक कार आपके पास आ रही है, इंजन ऑफ है, कारी गाड़ी खुद ब खुद ही चलती आ रही है, क्या फिर भी आप उसे रोकना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि कार का इनर्शिया ज्यादा है। ज्यादा इनर्शिया होने की वजह से उसकी टेंडेंसी कि वो उसी स्पीड से उसी मोशन में लगातार चलती रहे वो भी ज्यादा है, ठीक है। हायर द मास मोर द इनर्शिया, बट इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू मास। इनर्शिया के कोई यूनिट्स नहीं होते, इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जबकि मास किसी ऑब्जेक्ट की अलग से प्रॉपर्टी है। ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, मास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। मास के यूनिट्स हमारे पास होते हैं किलोग्राम। लो जी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एक एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ग्लास है, आप इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हो, ठीक है। ग्लास में पानी भर लीजिए, थोड़ा सा भारी हो जाएगा और कुछ नहीं है। उसके बाद ये यहां से शुरू करते हैं, उसके बाद यहां पे हमने क्या रखा, एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया बेटा यहां पे एक कॉइन, कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया एक कॉइन, एक मिनट, कार्डबोर्ड के ऊपर बच्चों हमने क्या रख दिया, कॉइन। अब जैसे ही हमने इस कार्डबोर्ड को हिट किया, यहां से कार्डबोर्ड को हिट किया, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा और क्वाइन नीचे गिर जाएगा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा और क्वाइन नीचे गिर जाएगा। इस एक्टिविटी को घर पे करके देखिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जब कार्डबोर्ड आगे निकल गया, क्वाइन नीचे गिर गया, बेसिकली क्या हुआ, क्वाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं पे पड़ा रहा। क्वाइन की टेंडेंसी थी कि वो रेस्ट पे ही रहे, आपने इसको हिट किया, तेजी से हिट किया, तो क्या हुआ, कार तो मोशन में आ गया बट क्वाइन रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्वाइन वहीं पे रहा, कार आगे से खिसक गया एंड क्वाइन गोज टू ग्लास, राइट। सिमिलरली कैरम बोर्ड के ऊपर आप ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करके देख सकते हो। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपने एक पूरी पाइल लगा ली, किसकी, क्वाइंस की, और इधर आपके पास है स्ट्राइकर, आपने स्ट्राइकर बड़ी तेजी के साथ हिट किया टूवर्ड्स लोएस्ट क्वाइन, ठीक है, वही एक क्वाइन आगे निकलेगा और बाकी के सारे पाइल बिल्कुल नीचे आ जाए, क्वाइन एंड स्ट्राइकर विल मूव अवे बट जो पूरी की पूरी पाइल है वहीं पे रहेगी। पाइल वहीं पे क्यों रही, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ लोएस्ट वाले जो क्वाइन था उसी को पुश किया, वो निकल गई आगे, बाकी ऊपर वाले क्वाइंस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपने ही पोजीशन पे रहे। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस, चलती हुई बस से जंप करना बहुत खतरनाक होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, भाई गाड़ी चल रही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी गाड़ी अभी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, गाड़ी के अंदर आप हो तो आप भी चल रहे हो विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चलती गाड़ी से जंप करते हो तो बच्चों क्या होगा, जब आप जंप करोगे, जैसे ही आप अपने पांव जमीन को टच करोगे, आपके जो पांव है वो तो रेस्ट पे आ जाएंगे बट आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट विल कीप ऑन मूविंग, जितनी बस की स्पीड थी उतनी ही आपकी स्पीड थी, आप एक सिंगल सॉलिड पत्थर की तरह नहीं हो, यू हैव अ नंबर ऑफ जॉइंट्स, लोएस्ट पार्ट यानी कि जो आपके पैर हैं दैट विल कम इनटू कांटेक्ट विद ग्राउंड, ठीक है, वहां पे वो रुक जाएंगे, तो आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन विल कीप ऑन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, आप आगे को ऐसे गिरोगे, ठीक है, खुद को बैलेंस नहीं कर पाए तो भैया आपका चेहरा ग्राउंड पे चिपक जाएगा। तो इट इज रियली डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस, नेवर ट्राई दिस, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन आपकी बॉडी आगे को चलती रही, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चलती हुई बस में या कार में बैठे हुए हो तो नींद आ गई, भाई सो रहे हो, अचानक से ब्रेक लगती है, व्हाट हैपेंस, क्या आप आगे को ऐसे जाते हो, क्यों होता है भाई ऐसा, कारण क्या है कि आप सीट बेल्ट बांधी भी हुई है तो भी
क्या हुआ, आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कम्स टू रेस्ट बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिमेन इन मोशन. ठीक है, ब्रेक लगी, आपका लोअर पार्ट रेस्ट पे आ गया, अपर पार्ट मूव कर रहा है, तो आपको आगे कोई झटका लगता है. बेल्ट नहीं लगी होगी तो बहुत जोर के लगेगा, बेल्ट लगी हुई तो बच जाओगे, झटका ज्यादा नहीं लगेगा. ऑलवेज वियर बेल्ट. लो जी, इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. परफेक्ट बात है भैया. ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी है किसी बॉडी की कि अगर कोई भी चेंज आता है स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में तो उसे अपोज किया जाता है. जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. यहाँ पर एग्जांपल लिखी गई है, एक 30 kg के ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा और एक 300 kg ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कंपैरिजन में ज्यादा होगा. लो जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच लॉ डिफाइंस फोर्स. आंसर इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स. ये क्या कहता है, इट सेज दैट ए फोर्स इज समथिंग, समथिंग हमने पिछली बार पढ़ा था, पुश और पुल, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन अ बॉडी. ध्यान से समझिए, जब किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म चेंज होती है तो बॉडी में क्या आती है, एक्सेलरेशन. फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास आप लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों टर्म्स पढ़ी थी. तो जब भी स्पीड में, वेलोसिटी में, डायरेक्शन में चेंज आता है, चाहे वो स्पीड बढ़ती है चाहे कम होती है, तो हम कहते हैं बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है. अगर स्पीड कम होती है तो हम कहते हैं कि रिटार्डेशन है. तो अगर स्पीड चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आई. तो हमने कहा फोर्स लगेगी तो स्पीड चेंज होगी या चेंज होने की टेंडेंसी होगी. अब जब स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, यानी कि फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, ऐसा पुश या पुल है जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पैदा करता है या कर सकता है. लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. साइज सेम है, स्टोन का मास डेफिनेटली ज्यादा होगा तो स्टोन का इनर्शिया भी ज्यादा होगा. और बाइसाइकल एंड अ ट्रेन, बड़ा क्लियर है भाई, ट्रेन का मास बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइसाइकल, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया भी ज्यादा होगा. 5 rupee क्वाइन एंड अ 1 rupee क्वाइन. 5 rupee क्वाइन थोड़ा सा भारी होता है एज कंपेयर टू 1 rupee क्वाइन, जितना भारी होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी कि 5 rupee क्वाइन का इनर्शिया एज कंपेयर टू 1 rupee क्वाइन ज्यादा ही होगा. एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच. अगर हम पेड़ की ब्रांच को पकड़ पकड़ के हिलाते हैं तो कुछ पत्ते गिर क्यों जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पत्ते रेस्ट पे ही रह जाते हैं और ब्रांच निकल जाती है. ठीक है, पत्ता रेस्ट पे ही रह गया और ब्रांच को हमने तेजी से हिला दिया, पत्ता वहीं रह गया, ब्रांच निकल गई एंड पत्ता डिटैच हो गया. राइट, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ लीव्स. जो पत्ते थोड़े कमजोर हैं, ठीक है, सूखे हुए पत्ते हैं यूं कह सकते हो, ठीक है, वो आसानी से झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे. आप फ्रूट को भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा शेक करके हिलाओगे तो ज्यादातर पके हुए फ्रूट ही नीचे गिरेंगे. अगर बहुत ज्यादा खतरनाक मोशन में हिलाओगे तो अलग बात है, बट अदरवाइज पके हुए फ्रूट ही नीचे गिरेंगे क्योंकि वो पहले से ही कमजोर होना शुरू हो जाते हैं. क्या ये हमारी फिजिक्स का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लीव्स और फ्रूट्स विल रिमेन देयर एंड ब्रांच विल मूव अवे, सो दे इज डिटेशन या डिटैच हो जाएंगे पत्ते फ्रॉम ब्रांच. व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन When a moving bus breaks to stop or falls backward, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चलती हुई बस में, ये हमने डिस्कस कर लिया है, चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगती है तो हम आगे को क्यों जाते हैं, तो ऐसे इधर मुँह कर लेता हूँ ना, बेटर है. तो बस भैया चल रही है, आप भी इसी में बैठे हो, छोटे माटे आप ऐसे बैठे हो,
तो जो मोशन आपका है, जो सॉरी जो बस की स्पीड है वही स्पीड आपकी है। तो जैसे ही बस ने ब्रेक मारी, आप बिकॉज ऑफ इनर्शिया मोशन उस स्पीड से चलते रहते हो, देन व्हाट हैपेंस, आपकी लोअर बॉडी आगे रेस्ट पे, अपर बॉडी कीप्स ऑन मूविंग और आप आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हो। ऑन द अदर हैंड जब बस अचानक से चलती है तो क्या होता है, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द बस, तो अपर पार्ट विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आपका अपर पार्ट वहीं पे रह जाएगा, लोअर पार्ट आगे निकल जाएगा, तो आपको इस तरह से पीछे को एक झटका लगेगा। लीजिए नेक्स्ट यूज ऑफ मड गार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी पिक मिल गई थी मुझे, तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये गार्ड मड गार्ड का काम करता है। कई बार यहाँ पे ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लैप से लगे होते हैं जिनको हम मड गार्ड्स कहते हैं। तो जब हम मड में कीचड़ में हम इसको चलाते हैं व्हीकल को, तो यहाँ से क्या होता है, मड जो है वो टेंजेंशियली बाहर निकलता है, टेंजेंशियली बाहर निकलता है, समझे ध्यान से, यहाँ से मड है इस सेंस निकलेगा, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियली यहाँ से बाहर निकलेगा। आपने पिछले चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो घूमते हुए उसकी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखनी हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही होता है। अब घूमते हुए पहिए में भी कीचड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, ये कीचड़ भी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ से टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाता है, और आगे क्या लगा होता है हमारे पास, मड गार्ड, ये मड गार्ड में जाके ये कीचड़ फंस जाता है और ये किसी दूसरी जगह पे अनवांटेड जगह पे नहीं पहुंचता। ठीक है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे साइकिल वाले केस में है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस साइकिल में यहाँ पे एक मड गार्ड लगा हुआ है, लुक केयरफुली, यहाँ पर एक आपको मड गार्ड दिखाई देगा, जबकि इस साइकिल में कोई भी मड गार्ड नहीं है। ठीक है, जब आप इस साइकिल को कीचड़ में चलाओगे तो ये आपको भी खराब करेगा, आपके कपड़ों भी खराब करेगा और आपके पीछे वाले जो लोग आ रहे हैं उनको भी बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा मतलब उनके ऊपर भी कीचड़ फेंकेगा। देखो जब ये साइकिल के टायर ऐसे घूमेंगे, पीछे वाला टायर से जो कीचड़ है वो टेंजेंशियली निकलेगा, और ये टेंजेंशियली अगर कोई पीछे और बंदा आ रहा है उसके ऊपर कीचड़ पड़ेगा, और आगे वाले टायर से ये कीचड़ इधर से आएगा और ये आपके ऊपर, आप यहाँ बैठ कर ड्राइव कर रहे हो तो ये आपके ऊपर भी छींटे डालेगा, राइट। तो जबकि अगर आपने मड गार्ड लगा रखा है तो आपके ऊपर ये छींटे पड़ने के चांसेस बहुत कम है और आपके पीछे आने वाले पर्सन के ऊपर भी छींटे पड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, इसने मड गार्ड यहाँ तक नहीं लगाया, इसका मड गार्ड सिर्फ आगे की तरफ है, तो इसमें पीछे वाला बंदा नहीं बच पाएगा, वो तो भर ही जाएगा, कीचड़ से भरेगा ही भरेगा, राइट बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है वो वैसे ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, एंड फिर हमने पढ़ा इनर्शिया किसी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी से मूव करते रहना चाहती है। और हमने कहा इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और परहैप्स पहले मोमेंटम भी आएगा, ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।